हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप देख सकते हैं जैसे कि व्लॉग की शुरुआत जो है वो गेट से हो रही है। तो यहाँ पर है आज मुंडन सेरेमनी, और हमारी भाषा में बोला जाए तो उसके बाल उतार जाएंगे आज बच्चे के। तो ये मेरी ननद का घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल सजावट की गई है। तो आज है यहाँ पर मुंडन सेरेमनी, बच्चे के बाल उतारे जाएंगे। और जैसे कि वाइट कपड़े पहने इन्होंने, दो ढाई साल तक इनके देवताओं के कुछ रीति रिवाज हैं वो ये चेंज करेंगे कपड़े वगैरह। तो इसी के ऊपर मेरा आज का जो व्लॉग है ये रहेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये है सुबह का टाइम अभी, और बस अभी बैंड बाजे वाले भी आ चुके हैं। तो चलिए फुल वीडियो देखिएगा स्किप किए बिना, और इन्जॉय कीजिएगा। डांस देखा, और अभी अंदर हो रही है शांत की तैयारी, मतलब जो हवन होगा उसकी तैयारी हो रही है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो चलिए हॉल में चलते हैं। क्या कर रहा है? तू क्यों आया इधर? थोड़ी देर बाद तेरा कलर चेंज हो जाएगा। नहीं, आप दोनों व्हाइट से कलरफुल हो जाओगे, कलरफुल हो जाएगा ये जो हमारा आज कलरफुल हो जाएगा। आपने पीछे जो घर में थोड़ी सी बहुत पूजा देखी वो फर्स्ट बार है, अभी दूसरी बार फिर से पूजा होगी। लेकिन उससे पहले जो इनके कुल देवता है, मतलब जहाँ पर जाके इन्होंने ये मन्नत पूरी करनी है, मतलब जो इनका आज का फंक्शन है वो इस चीज़ पे है कि आपने देखा मेरी वीडियोस में कि जो मेरी ननद है उसने भी वाइट कपड़े पहने, और जो आगे बेटा है उसने भी वाइट कपड़े पहने हैं। तो पूरे ढाई साल के बाद आज ये मतलब अपने कपड़े चेंज करेंगे और कलरफुल कपड़े पहनेंगे दोनों माँ बेटे। और
उसके लिए इन्हें अपने कुल देवता के पास जाना है, वहाँ पर पूजा वगैरह करनी है। और दूसरी बार फिर से आएंगे, फिर से घर में जाके शांत वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर कपड़े चेंज करेंगे, कलर वाले कपड़े जो हैं वो लगाएंगे दोनों, और उसके बाद फिर से आएंगे अपने कुल देवता के पास। तो अभी हम सारे वहीं पर जा रहे हैं, वो लोग चले गए आगे, मैं दी और मेरे हस्बैंड हम जा रहे हैं अभी। और ये रहे तो, और यहाँ पर इतना अच्छा व्यू है और ठंडा ठंडा मौसम है। आगे शायद वो पहुँच गए हैं, तो चलो मैं आपको वहाँ पर जाके मिलती हूँ फिर। तो वो रहा सामने मंदिर और वहाँ पर जा रहा ये हमारी भद्रवाहियों की टोली, तीनों की भी मम्मी और ये। तो चलो वहाँ पर पूजा दिखाती हूँ आपको जो हो रही है। मंदिर से होके आ चुके हैं, वहाँ पर पूजा कर ली एक बार, जैसे कि मैंने बताया आपको दो बार जाएंगे ये वहाँ पर, एक वाइट वाले कपड़े लेके लगा के और दूसरा कलर वाले कपड़े लगा के, जो कि ये आज चेंज करेंगे। सो उसके लिए वहाँ से आते ना, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई फिर, क्योंकि हम वहाँ से गाड़ी में आ गए थे शॉर्टकट, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी आप धूप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। तो हमें बस मिल गई थी, स्कूल बस, उसमें हम सारे चढ़ गए और पहुँच गए जल्दी फटाफट से। और वैसे भी जो लगन है, जो शुभ मुहूर्त है, वो निकल रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी आ गए। और अब अंदर चलते हैं, अब करेंगे इसका, इसकी शांत वगैरह करेंगे बच्चे की, और इसको जनेऊ वगैरह डालेंगे जो कि मुंडन, और फिर बाल वगैरह काटेंगे, इसको कपड़े लगाएंगे माँ और बेटे दोनों को अच्छे से, मतलब कलर वाले कपड़े डालेंगे, और फिर से ये वहाँ पर जाएंगे अपने कुल देवता के पास। तो चले फिर वो सब देखते हैं अंदर। देख गंदा हिरण्यानि सन्तार्थं देवो याति भुवने कृष्णचरणं सूर्याय नमो नमः।
दूसरे से डरो। कुशल नाना आया सहापत्नी को हम, उनका क्या नाम है, सीमा देव्या सहापत्नी को हमके आत्मा भगनी का पुत्र का मुंडन संस्कार इत्यादि करना अंतर्गत बुढ़ना इत्यादि दान करना अंतर्गत होम इत्यादि करना अर्थे बारे भरण इत्यादि करना अर्थे प्रतिज्ञा संकल्प महम करीशे भयम करीशा वाह हमने प्रार्थना करनी है कि हमारी बहन के बच्चे का मुंडन संस्कार है ठीक है और हमने बारे भरे हैं जो भी हम ये पूजा कर रहे हैं सुख शांति के लिए ठीक है। गुरवे स्वाहा आत्म गुरवे स्वाहा आत्म गुरवे स्वाहा जल्दा आने का होम करते ना है अरे देवा प्रत्यय देवता कुल देवता सर्वे देवी देवता प्रेम है ओम भूर्भुवः महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यं भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा वेद गायत्री माताय स्वाहा वेद गायत्री माताय स्वाहा वेद गायत्री माताय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम वासुदेव। सुबह से अभी तक भूखे लोग टूट पड़े घनों में। हेलो गाइस, भूख के मारे खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ज्यादा भूख लगी आज सुबह से फाके मारे। सिर्फ हम दोनों ने सबसे पहले खाना पकड़ा है। वैसे मुंडू तो खत्म हो गए, अब सिर्फ खाना खाना है बस। खाना खाने के बाद वो लोग को एंड करेंगे आज, बाकी सबको भी दिखाते हैं मैं सब खाना।